से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो छोटी चींटी एक दाना लेकर दीवार पे चढ़ती फिसलती है, हर दिन मन का विश्वास उसके अंदर एक साहस बढ़ता है, फिर गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना कभी भी नहीं अखरता है, क्योंकि जो काम करता है कोशिश करता है उसकी कभी हार नहीं होती। ये पंक्तियाँ उस टीचर के लिए है जो आपको प्रेरित कर देगी। उनकी कहानी किसी को भी प्रेरित कर सकती है। हर दिन वो अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करती है क्लासरूम में, और जो इस कहानी को देखेंगे वो भी ज़रूर इंस्पायर हो जाएंगे। कई बार छोटी छोटी मुश्किलों से हम डर जाते हैं, लेकिन कुछ इनके जैसे लोग भी हैं जो जितनी भी बड़ी मुश्किल आए वो डरते नहीं बल्कि उसका सामना करते हैं, क्योंकि शिक्षक अपने काम से स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर सकता है, खोखली बातों से नहीं। मैं इनसे आज बातचीत करने की कोशिश करूंगा, जानना चाहूंगा कि क्या वो शक्ति थी उनके अंदर जिसने उनको इतना साहस दे दिया, क्योंकि उस समय 18 वर्ष की थी जब बिजली का करंट लगने की वजह से ये अपनी दोनों बाजुएं खो बैठी हैं। लेकिन अब देखिए इनकी हिम्मत, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। मैम आप बताएंगे कि हिम्मत कहां से आपने लाई? सर हिम्मत टूट जाती है, ऐसा नहीं है कि हिम्मत अपने आप आ जाती है। हिम्मत आती है अपने आसपास के लोगों से, जब वो आपको 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 लगता है कि वो आपके लिए इतना कुछ करते हैं। तो मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से, मैंने जो अपना पास्ट देखा है, उसे मुझे लगता है कि अगर मेरे मम्मी पापा मेरे लिए इतना एफर्ट करते हैं, वो बंदा सुबह से लेकर शाम तक मेरे लिए कर रहा है, जी जान से चीज़ें मेरे लिए अवेल कर, तो मुझे भी अब अपने तरफ से एक स्टेप आगे बढ़ाना है। एक पल के लिए आपको लगा, जब ये आपको इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आपकी बाजू चली जाती है, एम्पुटेट कर दी जाती है, एक पल के लिए लगा कि जिंदगी खत्म हो गई? सर वो तो डेफिनेटली, और ऊपर से एक लड़की जब मतलब जो कुछ और सोच रहे होते हैं, कुछ होता कुछ हो रहा है, एक पल में आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। वो पल हम सब के लिए, मेरे लिए, मेरे मम्मी पापा के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए वो ठहर गया था। ख़त्म समझ लो, आप ख़त्म ही हो गई ज़िंदगी। सर उसके ऊपर आप ये देखते हो कि जो आपका साथ आपका फ्रेंड सर्कल है वो आगे चला गया, मतलब मैं तो एक साइड पर बैठी रहती थी। तो कहाँ से आई ये हिम्मत आपके अंदर? ये हिम्मत आई मेरी माँ की, माँ से। मतलब उन्होंने मेरे को इतना इंस्पायर किया उस बंदी ने कि वो कहती है कि तू लिख सकती है शालू। पता नहीं उनको कैसे स्ट्राइक हुआ कि मैं कहीं पे ना मूवमेंट कर रही हूँ अपने हाथ से, मतलब फ्लोर पे लिख रही थी कुछ ऐसे ही हाथ, तो मम्मी आए, मम्मी कहती नहीं तू लिख ट्राई कर। मैं कहा नहीं नहीं मजाक हो रहा है ये, तो मैं कहा नहीं लिख सकती। नहीं, उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया और फोर्सफुली उन्होंने एक हैंकी लिया मेरा, हैंकी बांधा और पेन बांधा, कहते ट्राई कर। मैं ट्राई किया सर, मैंने पहला लेटर लिखा एस, रजिस्टर का वो पेज डबल पेज था, मुझे आयु याद है, मैंने बड़ा एक एस लिखा। वो मतलब सारे इतने खुश हुए कि जैसे बच्चा पहली बारी लिखता है ना। तो मेरे बड़े भाई हैं मिस्टर संजीव कुमार, तो मम्मी का ये रोल है कि मम्मी ने वो शुरू किया स्टेप की मेरे को आगे बढ़ाने के लिए, और भाई ने बड़ा बूस्ट किया कि नहीं तू अब हमने पढ़ना, अब हमने पीछे नहीं देखना। आज तो आपकी स्पीड जब हम देखते हैं, जिस तरीके से आप इस व्हाइट बोर्ड पे लिख रही थी, देखिए मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ। नॉर्मली आप देखिए इतनी खूबसूरत हैंडराइटिंग, जिनके हाथ भी होते हैं उनकी नहीं होती, लेकिन आप देखिए कितने खूबसूरत तरीके से लिखती हैं और कितने खूबसूरत तरीके से समझाती हैं। आपका क्या रहता है जब आप क्लासरूम में आती हैं, क्या एक सबक है, एक तो कंप्यूटर तो आप पढ़ाती हैं, उसके अलावा क्या आप अपने इन बच्चों को बताना चाहते हैं? पहले तो मैं, आपने मेरी राइटिंग की तारीफ की है, तो मैं ये बताती हूँ कि राइटिंग मैंने ली है अपने भाई से। मेरे बड़े भाई की राइटिंग मेरे से भी ज़्यादा अच्छी है, और वो होता ना एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है कुछ करने का। जब मैंने लिखना शुरू किया ना, तो मैंने उससे मतलब एक बैट लगाई थी, मैंने कहा मैं उसको ऐसे नाम से ही बुलाती हूँ, मैं सोनू मैं जब लिखना शुरू करूँगी ना और अपनी राइटिंग में वापस आऊँगी तेरे से भी अच्छी लिखूँगी। और मैंने फिर ऐसे ही प्रैक्टिस से उससे भी अच्छी ली। और ये है कि सर मैं मतलब मेरे को लगता है कि खाली नहीं बैठना चाहिए, कोई काम ऐसा नहीं है आप जो चीज़ जो काम आप नहीं कर सकते, आप तब आप हार वो हार तब तक है जब तक आप खुद आपने सोचा है। अगर आप जिस दिन सोच लोगे ना आप कर लोगे तो वो काम डेफिनेटली हो जाएगा, चाहे एक घंटा लेगा दो घंटे लेंगे मगर वो हो जाएगा। और मैं मतलब भगवान की दया है, मतलब हो जाता है मेरे से, पता नहीं कहाँ से आ जाती इतना जुनून। देखिए कितनी खूबसूरत बात इनने की, तब तक आप हारते नहीं जब तक आप मन में ये मान न लें कि आप हार चुके हैं, दृढ़ निश्चय, निश्चय कर अपनी जीत करूं। और इन्होंने वही दृढ़ निश्चय किया। और देखिए इस समय ये शिक्षक हैं,
यहाँ बच्चों को पढ़ाती हैं, यहाँ बच्चों को इंस्पायर करती हैं। एक पल के लिए भी आपको मतलब कभी ऐसा लगा था कि आप इतना कुछ कर पाएंगे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं सोचा था। हाँ, मगर मैंने वही, मैं अपने हर इंटरव्यू में ये कहती हूँ कि मेरा सफ़र मुश्किल ज़रूर रहा, मगर नामुमकिन कोई चीज़ नहीं होती। हर रास्ते में बड़े लोग जुड़ते गए, जो बताते गए मतलब आगे तूने क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने कभी भी किसी की राय को नज़रअंदाज नहीं किया, सबको लेकर चली अपने साथ। हार नहीं मानूंगी, जीत के ही ठानूंगी, रूठे रब को मना के ही मानूंगी, दुआओं में शक्ति है घर ऐसी भक्ति है, मान जाएगा यार वो आखिर बख्शनहार वो। और दे आपके अंदर अगर वो जज्बा है, जुनून है, हिम्मत है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, नामुमकिन कोई भी चीज़ नहीं। तो अगर आप इम्पॉसिबल को देखिए, अगर इम्पॉसिबल के स्पेलिंग देखते हैं तो अगर उसे आप तोड़ के पढ़िए तो आई एम पॉसिबल पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से यही इनका ऑप्टिमिज्म है जो इनको यहाँ तक ले आया है और इंस्पायर कर रहा है। मैं बच्चों से भी बात करना चाहूँगा, जब आप अपनी कंप्यूटर मैम को देखते हैं तो कितना इंस्पायर होते हैं? सर, हम इनसे बहुत इंस्पायर होते हैं, हम अपने लाइफ के इश्यूज़ से लड़ने के इंस्पिरेशन मिलती है इनसे। जब ये ऐसे होके भी हमें ऐसा पढ़ा सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं आगे अपनी लाइफ में। देखिए कितनी इंस्पिरेशन मिलती है, जब हम इनसे बात कर रहे थे इनकी एक आंखों में एक अलग सी चमक थी, जब अपनी मैम के लिए बात करते हैं तो यही होता है कि एक शिक्षक जो होती है आपको प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है। कुछ और बच्चे भी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी शालू मैम के पास, मैंने कंप्यूटर मुझे नहीं आता था, मैंने सोचा मैम पता नहीं पढ़ा पाएगी या नहीं। जब मैम ने मुझे सिखाया, मैं प्राउड हुई कि मैम कैसे सिखा सकती है, अगर मैम हमें पढ़ा सकती तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते, हमारे तो हाथ भी है, मैम बिना हाथों इतना अच्छा लिख सकते हैं, हमें आज तक भी ऐसा नहीं लिख सकते। तो आप क्या सोचते हैं कि आपको भी ऐसी अपने अंदर विल पावर होना चाहिए? यस सर, सर हमें भी ऐसी विल पावर चाहिए, मैम से हम मैम से इंस्पायर होकर ना कुछ भी करेंगे, बट मैम की तरह बनना है हमें, बिल्कुल मैम की तरह की हिम्मत नहीं हारनी, कुछ नहीं करना, बस पढ़ना, दृढ़ निश्चय रखना अपना। देखिए हिम्मत नहीं हारनी है, सबसे ज़्यादा यही, इससे ज़्यादा इंस्पिरेशन क्या होगी। देखिए जब ये टीचर क्लास में होती हैं तो एक तो इन्हें कंप्यूटर तो पढ़ा ही रही हैं, लेकिन आप किस तरीके से इनको इंस्पायर करती जा रही हैं। बच्चों को इंस्पायर करना ये सबसे बड़ी बात होती है। मेरे ख्याल से यही एक चीज़ है जो ये एक हर दिन बीज बोती हैं, वो बीज ये है कि आप हिम्मत रखिए, अगर आप हिम्मत करेंगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी आप कर सकते हैं। क्योंकि जब ये 18 वर्ष की थी, कई लोगों ने उस समय कहा था कि इनकी ज़िंदगी तो विफल हो चुकी है, आप ये कुछ नहीं कर पाएंगी, लड़की हैं, लेकिन इन्होंने एक अच्छी गृहिणी बन के दिखाया, एक अच्छी शिक्षक बन के दिखाया, एक अच्छी माँ बन के दिखाया। मैं इनसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा, आप अपने बच्चे आपसे क्या चीज़ सीखते हैं, जो आपको बच्चे क्या कहते हैं, और क्या चीज़ खुशी देती है जब ये सारे रोल आप किरदार इतनी खूबसूरती से अदा कर रहे हैं? मेरे मुझे लगता है कि जब मेरे को कोई पहली बार देखता है ना, बच्चे, छोटे बच्चे, वो मेरे से डर जाते हैं, पर मेरे बच्चे नहीं डरते, और वो उन्होंने मेरे को ऐसे ही एक्सेप्ट किया जैसे मैं हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी, अगर मैं कभी कहती हूँ कि मैं मतलब मेरे को आर्टिफिशियल लिम्स लगा लेने चाहिए या कोई ग्राफ्टिंग करा लेनी चाहिए, तो वो कहते नहीं तू जैसी है वैसी बहुत अच्छी है, हमें ऐसे ही चाहिए तेरे को। और सर ये मुझे लगता है कि शायद मेरे में प्लस पॉइंट है, मैं एक चीज़ से बदकिस्मती थी, बट जो मेरा परिवार है बड़ा सपोर्टिव है, खास स्पेशली मेरे हस्बैंड, तो जिन्होंने हर पल मेरा साथ देते हैं, और आज मैं बाहर हूँ, घर से बाहर हूँ, इतना बेफिक्र है कि पीछे तो है देखने वाले, सपोर्ट करने वाले। तो बड़ी बात की है इन्होंने, देखिए पहले परिवार के सदस्य माता पिता आपकी सपोर्ट करते हैं, उसके बाद आपके हस्बैंड अगर आपको सपोर्ट करें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ आपने किया, खाना भी आप बहुत अच्छा बनाती हैं, क्लासरूम में इतनी खूबसूरत हैंडराइटिंग से आप लिखती हैं, बच्चों को भी पढ़ाती हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है आप नहीं कर पाती? ड्राइविंग ड्राइविंग करनी है सर, वो हस्बैंड सिखाते नहीं है मेरे को, मगर मेरे को लगता है कि मेरे को सीख लेनी चाहिए। हाँ जी, देखिए अब इनका अगला जो कार्य है, ये खुद ड्राइविंग करना चाहती हैं, क्योंकि ड्राइवर सीट पर बैठना चाहती हैं, पूरी तरह से अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहती हैं, और चाहती हैं कि जहाँ भी जाएं किसी पे वो डिपेंडेंट ना हो। और यही एक सबक हर दिन देती हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट सोच के साथ रहिए, इंस्पायर्ड रहिए, करने की कोशिश करिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप देखिए इन बच्चों को भी ये हर दिन यही सबक देती हैं, तो कैसा लगता है जब आपको ये मैम कहती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको लगता है ऐसी फीलिंग आती है?
हाँ, प्राउड वाली फीलिंग आती है जब मैम बोलते हैं कि हम कुछ, आप कुछ भी कर सकते हो। मैम तो हमें, चलो जब मैंने मैम को देखा था कि मैम के हाथ भी नहीं है, तो हमारे तो हाथ भी हैं, हम फिर भी इतना वो करते हैं कि नहीं हमें ये नहीं करना वो नहीं करना। तो हमें मैम से सीखना चाहिए कि हमें भी अपना, मतलब कि मन में विश्वास रखना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं, जैसे मैम कर सकते हैं वैसे हम भी कर सकते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, मैन कैन डू व्हाट द मैन हैज डन। जो इन्होंने किया है वो आप भी कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं इन्हें करने से कोई रोक नहीं सकता, और यही इन्होंने कर दिखाया। और यही एक वजह है कि आज के टीचर्स डे पर मुझे शालू मैम को सल्यूट करने का मन करता है। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ, भारत के लिए।